प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवस प्रवासे गोरखपुर पहुंचशे। अहीं तेओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना कार्यकर विकास विभागमां स्वयंसेवकोना विकास माटे टिप्स आपशे। ते 3 जून थी यूनियन हेड तरीके SBM पब्लिक स्कूल चिथामां कार्यकर विकास वर्गमां भाग लई रह्यो छे। पूर्व उत्तर प्रदेश ना जे स्वयंसेवको संघनी केटलीक जवाबदारी धरावे छे तेओ कार्यकर्ता विकास वर्गमां भाग लई रह्या छे। पूर्वी उत्तर प्रदेशमां कानपुर गोरक्ष अवध अने काशी प्रांतनो समावेश थाय छे। आ विकास वर्गमां 280 लोको भाग लई रह्या छे। संघना वडा मोहन भागवत तेमना रोकाण दरमियान संघना अधिकारीओने संगठननी आगामी कार्य योजना विशे माहितीगार करशे अने तेनी कामगीरी माटेनी व्यूहरचना पण जणावशे। संघ संचालकनो मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकोनी सक्रियता द्वारा संगठनने मजबूत करवानो रहेशे। हालमां मोहन भागवतना गोरखपुरमां रोकाणनी राजकीय असरो पण चकासवामां आवी रही छे। आ साथे ज मोहन भागवत उत्तर प्रदेशमां हिंदू मतोनी संख्यामां घटाडोने लईने पण चिंतित छे। तो यूपीमां BJP सिमकामવામાં અને યોગી પાસેથી ફીડબેક લઈ રહ્યા છે। अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान RSS प्रमुख मोहन भागवत आप देखिए कि यहाँ SBM पब्लिक स्कूल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर SBM पब्लिक स्कूल में पहुँचने के बाद अंदर उनकी फ्लीट गई है और सामने आपको उनका जो पोर्टिको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर उनकी वो गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी पर आप पूरा तरह से आप देखिए कि जो है वो वहाँ पर उनकी गाड़ी उतरी है और वहाँ से फिर वो सीधे अंदर गए हैं। इस दौरान आपको मैं बता दूँ कि ये 5 दिन का ये मोहन भागवत का ये पूरा दौरा है और इस दौरान RSS प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर 5 दिनों तक प्रवास में रहेंगे। इस दौरान वो गोरखनाथ मंदिर भी जा सकते हैं दर्शन करने और कुछ सामाजिक कार्यों में भी कार्यक्रम में भी वो मौजूद रह सकते हैं और उसके साथ ही जो ये पूरा कार्यक्रम है, जो उनके आने का ये जो पूरा शेड्यूल है उसको लेकर के फिलहाल अभी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 5 दिवसीय वो प्रवास पर रहेंगे और इस 5 दिवसीय प्रवास के दौरान कई अहम चीज़ों पर जो है केंद्रित ध्यान जा रहा है। चूंकि सूत्रों की माने तो जो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई हैं और हिंदुओं का जो वोट बैंक कम हुआ है उसको लेकर के भी समीक्षा हो सकती है। साथ ही जो RSS प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर के एक और भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फीडबैक को लेने के लिए भी वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाकायदे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फीडबैक के साथ ही तमाम अन्य पहलुओं को लेकर के भी यहाँ के तमाम ऐसे लोगों से वो मुलाकात भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ आने के भी किसी को परमिशन नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है सिवाय RSS प्रमुख के। चूंकि यहाँ पर जो हर दिन 5 दिन शाम के वक्त जो है यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम लगेगा, यानी आपको मैं बता दूँ जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो ये आप समझे कि कार्यकर्ता जो विकास वर्ग का जो प्रथम विंग है उसकी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके साथ ही 5 दिनों तक प्रवास पे वो रहेंगे और तमाम पहलुओं पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा और कहीं ना कहीं उनके आने का ये जो दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था और पूरी सुरक्षा के बीच में मोहन भागवत यहाँ पर अपने कार्यक्रम स्थल SBM पब्लिक स्कूल पहुँच चुके हैं और यहाँ 5 दिनों तक प्रवास पर रहेंगे और जैसा मैंने बताया कि तमाम चीज़ों को लेकर वो फीडबैक लेते हुए भी नजर आएंगे और निश्चित रूप से उनके इस दौरे को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं और यही वजह है कि इनके इस पूरे दौरे को ले जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।